हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लर्क की रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम की पैटर्न क्या होगी, कब आपका Tier 1 का पेपर होगा, Tier 2 का डेट क्या है, मतलब कि संपूर्ण डिटेल आपको जानकारी देने वाली हूँ इस पोस्ट के रिगार्डिंग। तो अगर आप भी इसको लेकर अगर थोड़े से भी हो सीरियस, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो चलो फ्रेंड्स, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, SBI में ना क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट क्लर्क कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट की रिक्रूटमेंट आई है। पोस्ट की बात की जाए ना, तो बम्पर सीट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है। टोटल जो पोस्ट है आपका 8283, मतलब समझ रहे हो 8500 के अप्रोक्स सीट्स पे आपकी वैकेंसी आई है। ये सीट्स बाद में इंक्रीज भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज किस वर्ग के लिए कितना सीट यहाँ पर रखा गया है। जनरल के लिए है 3515 सीट्स, EWS के लिए 817 सीट्स, OBC के लिए 1919 सीट्स, SC के लिए 1284, ST के लिए 748 सीट्स पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट रखी गई है। अप्लाई की अगर हम डेट देखना चाहो तो ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 17th of November से। लास्ट डेट टू अप्लाई रहने वाला है 7th December 2023। तो लास्ट डेट का वेट मत करिए आप सभी, जितना जल्दी हो अगर आप इच्छुक है कि फॉर्म अप्लाई करना है तो फॉर्म अप्लाई कर ही दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। आगे देख लेते हैं जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या फी आपसे लिया जाएगा। जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 750 रुपीज़, अदर कैंडिडेट से 0 रुपीज़। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर प्री और मेंस की एग्जाम की डेट भी रिवील कर दी गई है। तो आपका जो प्री का एग्जाम डेट है ना, वो आप जनवरी 2024 में कभी भी उस मंथ में पेपर हो सकता है। डेट्स भी आपको कुछ समय में रिवील कर दी जाएगी। मेंस का जो एग्जाम डेट है फरवरी 2024, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, जनवरी में प्री और फरवरी में मेंस हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को आप ऐसी करो कि जब जनवरी आए उस समय प्री और मेंस दोनों का ही आपका सिलेबस फुल्ली कवर रहे। चलिए देख लेते हैं कि किस किस एज के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st April 2024, 1 April 2024 के हिसाब से। मिनिमम आपका एज 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप रिलैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो OBC को मिलता है 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एंड SC ST को मिलता है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। अदर कैंडिडेट्स को भी मिलता है, जो कि आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख पाएंगे। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है, ग्रेजुएट स्टूडेंट चाहे आर्ट्स, कॉमर्स या फिर आपका साइंस है, कोई भी परसेंटेज है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर देखो आप पास्ट और अपीयरिंग का, बहुत सारे बच्चे होते कि जो अभी मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट है, फाइनल ईयर का पेपर देने वाले हैं, तो आप सब भी इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अपीयरिंग कैंडिडेट कर सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है, अगर आप किसी स्टेट का आप करते हो कि मैं इस स्टेट के लिए अप्लाई कर रही हूँ, अगर आप राजस्थान का करते हो तो आपको वहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश रहता है। बहुत जगह जैसे महाराष्ट्र है तो वहाँ पे मराठी कंपलसरी हो जाता है, गुजरात है तो आपको गुजराती आनी चाहिए। तो आपको लोकल लैंग्वेज का ना आपको वहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। आप लोकल लैंग्वेज का लिस्ट कहाँ से देखेंगे? नोटिफिकेशन में मैं आपको डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, उस पर सारा कुछ बताएगा किस स्टेट का क्या लोकल लैंग्वेज है। अगर आपको उस लैंग्वेज की जानकारी हो तभी आप उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। फॉर्म तो आप अप्लाई करोगे, पर किस प्रोसेस के थ्रू जाके आपको सिलेक्शन मिलेगी। सिलेक्शन इसके लिए बहुत ही आसान है,
Your selection will be dependable on major two stages. First of all, you have to clear the prelims exam. प्रारंभिक परीक्षा आपको पहले पास करनी होती है, देन आपको मेंस का यानी मुख्य परीक्षा भी पास करनी होगी, तब जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लें प्रीलिम्स का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 100 मार्क्स के लिए टाइम 1 आवर का, निगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब 0.25 की निगेटिव रहेगी यहाँ पे। और हाँ फ्रेंड्स, इसका जब बैंकिंग का एग्जाम होता है ना तो टाइम सेक्शन अलॉट होता है कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना मिनट है, तो चलिए उस मतलब आपको उस अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का और कितने मिनट में कंप्लीट करना होगा। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए टाइम 20 मिनट का रहेगा। जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट हुआ, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपने 30 क्वेश्चन बनाया है या 20 क्वेश्चन बनाया है, आपका नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा क्या मैथ्स का। तो मैथ्स के होंगे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 20 मिनट्स। थर्ड एंड लास्ट सब्जेक्ट प्री में जो होती है रीजनिंग होती है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, टाइम रहता है आपको 20 मिनट का, मतलब ओवरऑल 60 मिनट का है जिसको 20-20 मिनट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और आपको इंग्लिश के 30 है, मैथ रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अब जब आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका मेंस का पेपर होता है। तो चलिए देख लेते हैं मेंस में कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा। मेंस का जो सेक्शन होता है फ्रेंड्स उसमें 190 क्वेश्चंस रहते हैं 200 मार्क्स के लिए। समय मिलता है आपको 2 घंटा 40 मिनट का। निगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/4 का। आइए सब्जेक्ट वाइज हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका है जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस, इससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। समय इस सेक्शन के लिए आपको 35 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए समय 35 मिनट का रहेगा। मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए 45 मिनट की आपको यहाँ पर टाइमिंग दी जाएगी। रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए टाइम 45 मिनट की होगी। सो आई होप कि एग्जाम की पैटर्न को आप अच्छे से बेटर वे में समझ पाए होंगे। तो जब आप प्री मेंस निकालते हो तो मेरिट लिस्ट में आता है आपका नाम, फिर आप ज्वाइन करते हो, जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उस स्टेट के आपको जो SBI होगी वहाँ पे ज्वाइन कराई जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आप SBI क्लर्क बन जाओगे तो आपको सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी जो होती है ना आपकी 26,000 रुपीज पर मंथ टू 29,000 रुपीज पर मंथ की होती है। स्टेट वाइज भी डिफर करता है, इसमें आपको बहुत सारे पर्क्स अलाउंसेस मिलते हैं, इंक्रीमेंट मिलती है। ये मैं आपको एक बेसिक पे के थ्रू बता रही हूँ। सो आई होप कि आप SBI क्लर्क से रिलेटेड सारी जानकारी को अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी कुछ डाउट वगैरह आपको छूट गई हो, समझ में ना आया हो, कमेंट सेक्शन है, पूछ सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर लूँगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सब पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे भी जाके जल्दी से फॉलो करो, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड करो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप शेयर कर देना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी साथ ही साथ आप सेट करके जाना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।